है, बट इसके कुछ नियम्स होते हैं कुछ, तो वो आज हम समझे कि ऐसे होता है क्या, आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, इस पर टॉपिक के बेस पे आपको ऐसे राइट करना होगा। ओके, सो व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन सब्जेक्ट एंड यूजली प्रेजेंटिंग द ऑथर्स ऑन यूज। ऐसे क्या होते हैं, एक शॉर्ट स्टोरीज होता राइटिंग्स होती है जो कि जो राइटर होता है वो अपने टॉपिक्स पे क्या करता है, टॉपिक्स पे लिखता है, और जो ऑथर होता है वो अपने विचारों को, अपने व्यूज को शेयर करता है ऐसे के थ्रू, है ना। ये किसी भी सब्जेक्ट पर लिखी जा सकती है ऐसे ऐसे। ओके, एंड ऐसे डिराइव फ्रेंच वर्ड के लिए से, जो ऐसे जो वर्ड है वो किस वर्ड से लिखा, फ्रेंच वर्ड से लिखा है, इसका नाम क्या था, ऐसे। ओके, विच मीन्स टू मेक एन अटेम्प्ट, मतलब कि कोशिश करना, है ना। हम ऐसे में भी यही करते हैं, अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, है ना, यही करते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग जो भी अट्रैक्टिव वर्ड्स, इजी वर्ड्स यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसे लिखते हैं। ओके, निबंध लिखते हैं। ओके, ऐसे डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जो ऐसे है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसके भाग होते हैं ना। सो पहला होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम जो भी टॉपिक्स, हमारा जो टॉपिक दिया रहता है जिसमें हमको लिखना होता है उसका परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, लिखते हैं। ओके, हम उसके जो भी इंटरेस्टिंग सजेशन होते हैं हम उसमें इसको उसका परिचय देते हैं कि हम किस बारे में ये लिख रहे हैं, उसके थीसिस से हम सेंटेंस को एंड करते हैं। ओके, सेकेंड होता है बॉडी, अब इसका मध्य भाग जो बोलते हैं हम ऐसे का, इसमें हम अपने ओपिनियंस को लिखते हैं, इसमें टू और थ्री पैराग्राफ्स भी होते हैं, ये मेन पार्ट होता है ऐसे का। ओके, और लास्ट